मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है, दोनों के बीच संबंधों का चर्चा करेंगे हम लोग। शिक्षण और अधिगम हमारे जीवन में चलने वाली दोनों एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनावरत चलती रहती है। शिक्षण रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, इन दोनों के बारे में आज विस्तार से प्रकाश हम लोग डालेंगे। इसमें इस प्रक्रिया में शिक्षक का और एक विद्यार्थी का दोनों का अलग अलग कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। एक सिखाता है तो दूसरा सीखता है, तो दोनों के बीच क्या क्या संबंध विद्वानों ने चर्चा की है इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। इसी कड़ी में यदि देखा जाए, जो अगले स्लाइड में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण बालक को ज्ञान प्राप्त कराना या तथ्यों का बोध कराना है, और अधिगम को बताया था कि सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। प्रायः शिक्षण को अधिगम का अभिन्न अंग माना जाता है। निश्चित तौर से ये सत्य भी है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही हम अधिगम को प्राप्त करते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की प्रक्रिया। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षण का अंत अधिगम के रूप में होता है। शिक्षण ही होता है कुछ सिखाने के लिए। सिखाना भले दो तरह से हो सकता है, व्यवहार से सिखा सकता है या उपदेशों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। महान शिक्षा शास्त्री किलपैट्रिक ने कहा है कि जब छात्र सीखता नहीं है तो शिक्षक ने पढ़ाया नहीं है। इसका मतलब सीखना शिक्षण पर आश्रित है। चूंकि हम लोग सीखते हैं घर से, परिवार से, दोनों तरह सीखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा हमारे पास विद्यालयों में, स्कूलों में होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण हमारे जो घर परिवार से माता पिता के द्वारा, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। आगे किलपैट्रिक महोदय ने आगे बात कही है कि शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने वालों में है, अर्थात क्रय और विक्रय करने की प्रक्रिया ये शिक्षण की तकनीक पे भी कारगर है। दोनों के बीच जो तत्व पाए जाते हैं, शिक्षण बेचने और खरीदने के बीच जो चार तत्व हैं, वही चारों तत्व शिक्षण के बीच, शिक्षण और अधिगम के बीच भी पाया जाता है। जिस प्रकार बेचने खरीदने के चार तत्व बताए गए हैं, जैसे कि उसमें एक बेचने वाले होता है, एक खरीदने वाला, तो ये जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाले हैं, ये दोनों के बीच क्रियाएं होती है। पहला क्रिया होती है बेचने की क्रिया और दूसरा होती दूसरे के द्वारा खरीदने की प्रक्रिया। तो बेचने और खरीदने का है, यही सेम प्रक्रिया कहा गया है। ये दोनों प्रक्रिया ही शिक्षण पर भी लागू होता है। शिक्षण में सीखने, अधिगम और शिक्षण के बीच यही चार तत्व निर्धारित होती है। पहला है एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो शिक्षण प्रदान करता है। और दूसरा जो है एक छात्र या विद्यार्थी, जो विद्या अर्जन करता है। तो विद्या अर्जन करने वाला विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक ज्ञान का आदान प्रदान की प्रक्रिया होता है। अब इन प्रक्रियाओं में शिक्षण की क्रियाएं होती है। शिक्षक जब टीच करता है, शिक्षण करता है, अपने जीवन के अनुभव को विद्यार्थी को बताता है, तो एक प्रक्रियाएं शिक्षक और छात्र के बीच में क्रियाएं होती है, जो अंतःक्रिया और बाह्यक्रिया दोनों रूप में सम्मिलित होती है। और चौथा जो सीखने की क्रिया, जो विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, अधिगम जिसे हम लोग कहते हैं। तो कुल मिलाए कहा जाए, दोनों पे निर्धारित होता है, दोनों पे ही अपेक्षित है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कितना प्रभावकारी हो सकता है, प्रभावशाली होता है, ये दोनों पे भी निर्भर करता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण एवं अधिगम में सहसंबंध, दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है। इन संबंधों को हम बिंदुवार यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला, शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली परस्पर क्रिया है, आदान प्रदान की प्रक्रिया है, तो जिसके द्वारा विद्यार्थी किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है।
जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर या कोई और अलग अलग फील्ड में कार्य करना चाहता है, तो शिक्षण और अध्यापन दोनों प्रक्रियाएं क्रमशः चलते रहते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि विद्यार्थी किस उद्देश्य को लेकर अध्ययन कर रहा है और अध्यापक किस उद्देश्य के को लेकर के उसे अध्यापन का कार्य कर रहा है। दोनों के ही अपने लक्ष्य का, उद्देश्यों का हमें ध्यान होना चाहिए, अन्यथा दोनों मार्ग से भटक सकता है, जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर दूसरा, शिक्षक द्वारा निर्मित अधिगम को परिस्थितियों की मदद से सीखना है। देखिए, शिक्षण और अधिगम दोनों में ही ये शिक्षक और जो सीखने वाला है, क्योंकि शिक्षक अपने जीवन और के सारे अनुभव को, जीवन में जो सीखे होते हैं, व्यवहार में जो सीखे होते हैं, वे दोनों को ही क्या करता है, विद्यार्थियों को दे देता है। लेकिन विद्यार्थी उसको सीखता कब है, सीखता तब है जब परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, तो अनुभव करता है और उस अनुभव के आधार पर जीवन में उस सत्य को जानता है। इसलिए शिक्षण आवश्यक है, सीखे हुए ज्ञान हमें जीवन में कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, कारगर होता है और उस पे हम लोग क्या है, कार्यरत होते हैं, कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। नंबर तीसरा जो बात कही गई है, शिक्षण का कार्य ऐसी परिस्थितियां तथा विद्यालय और कक्षाओं में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसके द्वारा विद्यार्थी के लिए अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम में सहायक पहुंचाने वाला बाह्य प्रक्रम सिद्ध हो। अर्थात विद्यालय या स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा प्रैक्टिकली होनी चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आसानी से सीख सके। तो यहाँ पे दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षक का है जो उस वातावरण को तैयार करता है और व्यक्ति उसमें सीखता है। तो सीखने वाला व्यक्ति वातावरण के में प्रभावित होकर सीखता है, इसलिए शिक्षण और अधिगम दोनों के बीच में गहरा संबंध यहाँ पे दर्शाया गया है। चौथा नंबर है, शिक्षण के द्वारा व्यवहार के तीनों पक्ष में परिवर्तन लाया जाता है और अधिगम शिक्षण का परिणाम कहा गया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि व्यवहार के वो तीन पक्ष कौन है, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। ये तीनों पक्ष है जिसे शिक्षण के द्वारा हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षक द्वारा बताए हुए ज्ञान के माध्यम से हमारे कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं और उनके जो जीवन में को देखकर, उनके व्यवहार को देख करके, उनके जो आचार व्यवहार को देख करके हमारे इमोशनल जो चेंज होती है वो महत्वपूर्ण है। और नंबर तीसरा जो है, उनके व्यवहार से, उनके जीवन के एक्टिविटी को विद्यार्थी देखता है और उसे क्रियात्मक पक्ष जीवन में प्रभावित होता है, तभी कहा गया है कि अधिगम शिक्षण का परिणाम है। सीखना जो है वो शिक्षक द्वारा प्रदान की हुई ज्ञान के माध्यम से ही वो सीख पाता है। तो दोनों के बीच इसमें भी गहरा संबंध यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यदि शिक्षक ये तीनों पक्ष प्रभावित नहीं करता तो विद्यार्थी शायद जीवन के उन पक्षों से अधूरा रह जाएगा जिसकी उसको आवश्यकता है। पांचवा, अधिगम त्रुटि आलोचना द्वारा, अनुभव से, स्वयं की बुद्धिमत्ता, तर्कसंगत सोच से, गलतियों से सीख सकता है। इसमें शिक्षण एक तरीका है जिसे सीखने के लिए अपनाया जाता है। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, त्रुटि अवलोकन द्वारा अधिगम में जो व्यक्ति जो अपने गलतियों से सीखता है, अनुभव से भी सीखता है, जो अनुभव जो प्राप्त करता है, और स्वयं की बुद्धिमत्ता से, तो हमारे इंटेलिजेंस जो नेचुरल नेचर ने गॉड गिफ्टेड होता है, उसके द्वारा हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तर्कसंगत सोच से भी हमारे तार्किक विचारधारा होती है जिससे हम लोग सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रियाएं व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन इसमें शिक्षण एक ऐसे तरीका होता है जिसे सीखने के लिए अपनाया जाता है, उसको एक प्रॉपरली वे से कैसे सीखा जाए, स्टेप बाय स्टेप उस ज्ञान को गहराई से उतारने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। सीखने में व्यक्ति तो सीख सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यदि प्रत्येक इकाई, एक इकाई से लेकर के पूरे समाज को देखा जाए, तो उसके लिए शिक्षण की एक दिशा धारा निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। नंबर छठा नंबर जो दिया गया है, शिक्षण नंबर जो दिया है, शिक्षण सीखने की
सीखने को अधिक केंद्रित और प्रासंगिक बनाता है। शिक्षण सीखने को अधिक केंद्रित और प्रासंगिक बनाता है, इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच आदान के प्रदान की प्रक्रिया आसानी से होता है। सीखने में सक्षम होने के लिए शिक्षक को उसे स्वयं ही क्या होता है? सीखना होता है। सातवां नंबर कहा गया है, अगर सिखाने में सक्षम होने के लिए शिक्षक को उसे स्वयं सीखना होता है। अर्थात कहने का मतलब, शिक्षक को पहले विद्यार्थी बनना पड़ता है, देन उसके बाद वो दूसरे को सिखाता है। औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, दोनों ही रूप से, फॉर्मल और इनफॉर्मल, शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है। अर्थात शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक विद्यार्थी होता है। तो ये जो लर्निंग जो प्रोसेस है, अधिगम की जो तकनीक है, वो पहले जीवन में आता है, सीखते हैं, और उसके बाद उसी अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, समाज को भी बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए सीखना व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन व्यवहार परिवर्तन अनुभव से होता है, लेकिन अनुभव भी आता है हमें कहीं ना कहीं सीखने से, जीवन की कठिनाइयों से, जीवन के अनेक पथों से, जीवन की गलतियों से सीखते हैं, और उस अनुभव को पुनः फिर से शिक्षण के रूप में समाज को या विद्यार्थी को हम उसे संप्रेषित करते हैं। अगले क्रम में जो आठवां नंबर है, एट नंबर है, इसमें दिया गया है, शिक्षण और सीखना वास्तव में दो खिलाड़ियों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल है। खिलाड़ियों के बारे में इसलिए बात कही कि खेल है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी ये दोनों भी जीवन के मूल्यों का खेल शिक्षण के माध्यम से करता है। जीवन उद्देश्यों को पाने के लिए भी यहाँ पे अपने मैदान पे पीच पे वो दोनों खेल रहे होते हैं। अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा, लेने और देने वाले में, अगर देने वाला दे रहा है ज्ञान को, लेने वाला लेना ही नहीं चाहता, तो ये आपसी तालमेल नहीं होगा, तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं संभव नहीं होगा। तो ये आदान प्रदान के दोनों में आपसी तालमेल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला जो क्रम दिया गया है, नाइन नंबर, खराब शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और रुचि को प्रभावित करता है। ये सभी को पता है, अगर शिक्षण की प्रक्रिया सही नहीं है, विधि व्यवस्था सही नहीं है, तो हमारे सीखने की प्रक्रिया को भी और रुचि को भी, इंटरेस्ट को भी क्या है, खराब करता है। जबकि अच्छा शिक्षण छात्रों को प्रेरित कर सकता है, रुचि पैदा करता है, याद करने के लिए, सिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, क्योंकि तरीका होता है उसके पास सिखाने के लिए, शिक्षण के अच्छे तरीका होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कहा जाए कि हट प्रदीपिका के 15 आसनों के बारे में उसके नाम बताइए स्टेप बाय स्टेप या लिखिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर शिक्षक के पास कोई ऐसे तकनीक है जिस तकनीक के माध्यम से आपको शुद्ध रूप में पिरो दिया जाए, जैसे अगर आपको मैं अगर विथिन फ्यू मिनट फ्यू सेकेंड में ही यदि आपको मैं 15 सूत्रों को 15 आसनों को बता दूं, जैसे हम लोग कहते हैं भसीप शीश मयूप मधु कुकुवी गोस, ये 15 आसनों का नाम मैंने आपके सामने बता दिया, भसीप शीश मयूप मधु कुकुवी गोस। कहने का मतलब, एक शिक्षण के तरीका है किसी शब्दों को, विस्तृत शब्दों को इस शुद्ध रूप में पिरो करके विद्यार्थी को दिया जाए, तो कोई इसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो सके, रुचि पैदा हो सके, और विद्यार्थी उसे सीखने के लिए प्रेरित हो सके। तो दोनों में ये महत्वपूर्ण है, शिक्षण के लिए भी, सिखाने के लिए, और शिक्षक को भी, कि हम कैसे अपने ज्ञान को अच्छे से अच्छे विद्यार्थी तक संप्रेषित कर सकें। सीखने समझने की मानसिक स्थितियां अनुकूलित कर सकता है, वातावरण बना सकता है, सूत्रों के रूप में पिरो सकता है शिक्षक उसे। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसे सिखाने के लिए विद्यार्थियों के साथ आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर जो दिया है, शिक्षण सीखने को अधिक केंद्रित और प्रासंगिक बनाता है। शिक्षण जो है सीखने की क्रिया को अधिक केंद्रित और प्रासंगिक, क्योंकि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड ही देख रहे हैं, सामान्य क्रम में मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता था बिना ये स्लाइड के, लेकिन स्लाइड के माध्यम से जब व्यक्ति विजुलाइज करता है, उसे देखता है, तो उसके अंदर क्या है, एक इमेजिनेशन, एक फोटोग्राफी उसके अंदर में क्रिएट होता है, और वो लाइफ लॉन्ग लाइफ इसको याद रख सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इन सूत्रों के साथ साथ इन फोटोग्राफ्स को भी ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो सिखाने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया, सीखने को अधिक केंद्रित और प्रासंगिक बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सीखने की प्रक्रिया सही हो,
सही तरीके से सिखाया जाए तो विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम की प्रक्रिया है, उसको अधिक अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, विस्तृत बनाया जा सकता है। निष्कर्षता या कहा जा सकता है अंतिम में कि जहां शिक्षण को शिक्षा की प्रक्रिया और अध्ययन अध्यापन योजना का केंद्र बिंदु बनाना उचित होगा, वहीं पर ही सभी प्रकार के शिक्षण को अधिगम केंद्र बना कर ही शिक्षार्थी का अधिक से अधिक हित चिंतन किया जा सकता है। केवल शिक्षण की प्रक्रिया ही उचित नहीं है, बल्कि साथ साथ शिक्षण को अधिगम केंद्र बनाकर, मतलब उसे विद्यार्थियों को कैसे आसानी से सिखाया जा सके, अगर ऐसा सोच कर के शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान देता है, उनके जीवन के लक्ष्य को पाने को, उनके लक्ष्यों को याद रख करके उसे कुछ ज्ञान देता है, तो उसके विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थी के लिए अधिक से अधिक ही चिंतन किया जा सकता है, उनका कल्याण के बारे में कार्य किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम शिक्षण और अधिगम दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध है, इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शिक्षक है वो भी सीख रहा होता है, जीवन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है शिक्षण जो है, इसलिए शिक्षक को जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। इस सतत प्रक्रिया को हम लोग जीवन में धारण करते हैं, सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, इसलिए दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है, ज्ञान का आदान प्रदान का, एक गिव एंड टेक, एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने, दे और दो और लो, गिव एंड टेक, इन दोनों ही फार्मूला यहाँ गुरु और शिष्य के परंपरा के रूप में, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के रूप में ये आजीवन चलता रहता है। तो इस प्रक्रियाओं को हम लोग सीखते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यहीं पे अपने बात को विराम देते हैं। अगले कड़ी में हम शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में, शिक्षक के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें जो आप यहाँ स्लाइड पे देख पा रहे हैं, तो इन संदर्भ ग्रंथों को, ग्रंथों के माध्यम से हम इसे, जो इसके नोट्स वगैरह है, इसके साधन सामग्री है, उसे हम लोग जुटा सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, अगले वीडियो में हम पुनः फिर से मिलेंगे। थैंक यू।